हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ चुका हूँ मैं आपके लिए एक और अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो लेके गाइस। और आज की वीडियो ना काफी अमेजिंग और काफी यूनिक है गाइस। आज मैं लेके आया हूँ डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्री बॉक्स और कुछ है कलर्स और कुछ है हमारे पास डायरी और एक है गाइस हमारे पास पॉपिट बैग गाइस। बिना स्किप करे पूरी वीडियो एंड तक देखना गाइस और मुझे लास्ट में कमेंट करके बताना आपको इन सारी चीज में से सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी गाइस। और दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच वी फैमिली की तरफ से दोस्तों। तो चलो मैं वन बाय वन आज का कलेक्शन दिखाता हूं दोस्तों। आज हमारे पास सबसे पहले ये पॉपिट का बैग गाइस, ये काफी अमेजिंग और काफी यूनिक है गाइस। तो चलो मैं निकालता हूं पन्नी से और आपको अंदर की क्वालिटी दिखाता हूं और दिखाता हूं ये पॉपिट बैग कैसा है। तो सबसे पहले इस पॉपिट का प्राइस मैं बताता हूं। तो इस पॉपिट बैग का प्राइस है गाइस, मैंने ऑफलाइन परचेज किया केवल 200 रुपीज में दोस्तों। और देखो कितना अमेजिंग कितना प्यारे क्वालिटी का ये बैग है दोस्तों। और फ्रंट में हमें पॉपिट मिल जाते हैं दोस्तों, ये देखो। अरे वाह, जब हमारा टाइम पास नहीं हो रहा होगा तो हम इन पॉपिट के साथ खेल के अपना टाइम पास कर सकते। काफी अमेजिंग और काफी प्यारा इसका कलर भी देखो दोस्तों कितना अमेजिंग है। और इसके अंदर कुछ बॉल्स भी मिलती हैं। चलो चैन को ओपन करते हैं, चैन की क्वालिटी देख सकते हो दोस्तों कितनी जबरदस्त और कितनी अमेजिंग है। और देखते हैं अंदर क्या मिलता हमें। तो अंदर देखो दोस्तों ये क्या मिला हमें, ओहो ये देखो दोस्तों हमें मिला इसके अंदर एक बेल्ट जिसे हम लगाएंगे अपने बैग में और फिर बैग हो जाएगा बिल्कुल रेडी गाइस। तो चलो मैं आपको ये पूरी बेल्ट लगा के दिखाता हूँ। स्टिप को लगा लिया हमने बैग में और बैग हो गया बिल्कुल रेडी। और ये साइड वाला बैग लग गया गाइस। और जब हमें पीछे लटकाना है तो हमें तीन इसमें मिलते हैं लॉक गाइस, इसमें हम अपनी बेल्ट को लगा लेंगे फिर हम अपने कंधे पे भी लटका सकते हैं ये बैग गाइस। ये पॉपिट वाला बैग दोस्तों कैसा लगा, बात करते हैं अंदर के स्पेस की। तो अंदर देखो दोस्तों ये सारा स्पेस मिल जाता है, काफी छोटा सा बैग है और काफी यूनिक है गाइस। और ये बैग कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। चलो इसे साइड रखते हैं, अब मैं दिखाता आपको सबसे यूनिक चीज। और ये देखो दोस्तों ये है गाइस काफी अमेजिंग क्रियोन्स कलर। और इसके प्राइस की बात करते हैं तो इसे मैंने ऑफलाइन परचेज किया है केवल 120 रुपीज की। इसे पन्नी फाड़ता हूं और दिखाता हूं क्यों है गाइस ये इतना यूनिक क्रियोन्स कलर। तो सबसे पहले इसकी पन्नी फाड़ देते हैं, अंदर की फिर क्वालिटी दिखाऊंगा दोस्तों। तो चलो इस पन्नी को फाड़ लेते हैं पहले अच्छे से। ये पन्नी फाड़ लेते हैं, ये पन्नी फाड़ ली और तो ये देखो एक ब्रीफ केस की तरह ये गाइस बॉक्स क्रियोन्स कलर का बॉक्स। चलो ओपन करते हैं, दो लॉक है, इन दोनों लॉक को इस तरह ओपन करेंगे। और अंदर देखो दोस्तों कितने जबरदस्त कितने कलरफुल क्रियोन्स कलर मिलते हैं दोस्तों। चलो सबसे पहले हम रेड कलर उठा लेते हैं, मेरा फेवरेट कलर रेड है। आपका फेवरेट कलर कौन सा है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। तो ये देखो क्रियोन्स कलर क्वालिटी देख सकते हो दोस्तों कितनी अमेजिंग कितनी प्यारी है। और ये चलेगा कैसे दोस्तों, ढक्कन ओपन करता हूँ और ये देखो दोस्तों ये है गाइस रोलिंग वाले क्रियोन्स कलर। ये देखो ओए होए जबरदस्त और काफी अमेजिंग और काफी यूनिक। देखो रोलिंग वाले क्रियोन्स कलर, जब हमारा क्रियोन्स कलर का वर्क खत्म हो जाएगा फिर इसे बंद करके फिर हम ढक्कन लगा देंगे दोस्तों। ये देखो काफी अमेजिंग और काफी यूनिक। और ये रोलिंग क्रियोन्स कलर कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो अगेन दूसरा कलर उठाता हूँ, दूसरा कलर दिखाता हूँ, ऑरेंज कलर दिखाता हूँ। तो ढक्कन ओपन कर लेते हैं और ये देखो रोल करते हैं और ये क्रियोन्स कलर निकलना चालू और कितना अमेजिंग खतरनाक लग रहा है। ये देखो होए रोलिंग क्रियोन्स कलर। तो ये रोलिंग क्रियोन्स कलर आपको कैसे लगे दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो इसे साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये देखो गाइस चॉकलेट नोटबुक। गाइस चॉकलेट नोटबुक है, ये देखते हैं कैसे बॉक्स से निकालते हैं और देखते हैं चॉकलेट नोटबुक कैसी है। तो निकालते हैं बॉक्स से, इसके प्राइस की बात करते हैं तो दोस्तों इससे मैंने परचेज किया केवल 60 रुपीज का ऑफलाइन मार्केट से। और ये देखो दोस्तों बिल्कुल चॉकलेट लुक में ये नोटबुक, ओए होए कितने जबरदस्त और कितने अमेजिंग क्वालिटी की नोटबुक है दोस्तों। और देखो चॉकलेट लुक में बिल्कुल ओए होए। और पेजेस की बात करें तो पेजेस भी काफी खतरनाक और काफी सारे पेजेस मिल जाते हैं इस डायरी के अंदर नोटबुक के अंदर। और काफी अच्छे पेज है और क्वालिटी भी काफी जबरदस्त है यार, मजा ही आ गया यार। देखो कितनी जबरदस्त चॉकलेट नोटबुक मिली है गाइस हमें, किसी को पता भी नहीं चलेगा ये नोटबुक है, सबको लगेगा मेरे पास चॉकलेट है। तो काफी जबरदस्त। और ये नोटबुक आपको कैसी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो इसे साइड रखते हैं, अब मैं दिखाता हूँ आपको काफी सुंदर और काफी प्यारे ये प्रिंसेस का सरप्राइजिंग बैग। चलो इसे ओपन करते हैं, तो इसे फाड़ना पड़ेगा और काटते हैं और देखते हैं सरप्राइज बैग में हमें क्या क्या मिलता है। और इस सरप्राइजिंग बैग को मैंने 120 रुपीज का परचेज किया है। तो चलो इसे कट करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें मिलने वाली है। तो इसे कट कर लेते हैं, कट कर लिया दोस्तों और देखते हैं हमें क्या मिलता है।
तो ये सारी चीजों को एक साथ निकाल लेते हैं। तो इसके अंदर ये देखो, सबसे पहले तो हमें मिलता है ये चाबी का छल्ला इसके अंदर, और निकालते हैं पन्नी से और क्वालिटी देखते हैं दोस्तों क्या है कैसी है। तो ये देखो, ये चाबी का छल्ला नहीं है। तो इसके अंदर गाइस हमें मिलते हैं प्रिंसेस, काफी सुंदर और काफी बढ़िया क्वालिटी में, ये देखो काफी जबरदस्त चीज मिली है गाइस। और देखते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या मिलता हमें। तो ये देखो गाइस, हमें एक मिला है दिल वाला लॉकेट, निकालता हूं पन्नी से और आपको ये लॉकेट दिखाता हूं। तो देखो दोस्तों कितना छोटा और कितना प्यारा लॉकेट मिला है दोस्तों हमें, तो काफी जबरदस्त। और इसमें हमें मिला एक स्टिकर गाइस, ये देखो कुछ स्टिकर मिले हमें प्रिंसेस की, ये देखो काफी अमेजिंग, इनके नाम भी लिखे हैं जीना, ये सैली और ये जिमी, तो इन सबके नाम भी लिखे हैं, काफी अच्छा स्टिकर मिला है। और ये देखो दोस्तों काफी डिफरेंट और काफी यूनिक। और देखते हैं दोस्तों हमें क्या मिला इसके अंदर। तो ये देखो दोस्तों हमें मिलता है इसके अंदर एक प्रिंसेस का फोटो फ्रेम, वाओ यार काफी अमेजिंग। और इसके पीछे हमें टेप मिल जाती है जिससे हम अपने इस फोटो फ्रेम को किसी भी दीवार पे चिपका सकते हैं दोस्तों। तो काफी अमेजिंग, काफी प्यारा फोटो फ्रेम मिल जाता है। और क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर गाइस हमें मिल जाती है फन एक्टिविटी बुक प्रिंसेस की तरफ से। और देखते हैं अंदर कैसे एक्टिविटी बुक मिलती है। तो ये देखो ओए होए यार, यहाँ हमें मिल जाता है माई एक्टिविटी बुक जिसमें नाम लिख सकते हैं, अपना स्कूल का नाम लिख सकते हैं दोस्तों और क्लास भी लिख सकते हैं। तो ये देखो गाइस हमें कुछ प्रिंसेस वर्ड सर्च करने हैं और देखते हैं दोस्तों इसमें किस तरह की एक्टिविटीज मिलती है। तो हमें इस प्रिंसेस को यहाँ फिनिश करना है और कुछ नंबरिंग दे रखे हैं। तो काफी अमेजिंग और काफी प्यारा ये एक्टिविटी बुक है, इसके अंदर हम कलर करेंगे ड्रेस में। और देखो दोस्तों काफी जबरदस्त और काफी अमेजिंग एक्टिविटी बुक मिल जाती है। और क्या मिलता है इसके अंदर, इसके अंदर हमें मिल जाता है एक प्रिंसेस का की चैन, वाओ यार काफी सुंदर और काफी अमेजिंग, बिल्कुल डिफरेंट। और देखते हैं दोस्तों हमें क्या मिलता है इसके अंदर, एक इसके अंदर हमें मिल जाता है ये देखो, ये क्या है यार, ये क्या है, ये क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ ये क्या चीज है, अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। तो आपको ये प्रिंसेस का सरप्राइजिंग बैग कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। अब मैं दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट चीज, दिखाता हूँ ये प्रिंसेस का पेंसिल पाउच, और ये भी काफी अमेजिंग है और काफी यूनिक है गाइस। इसके प्राइस की बात करते तो मैंने इसे ऑफलाइन परचेज किया 160 रुपीज का, निकालता हूँ बॉक्स से और चीज दिखाता हूँ ये प्रिंसेस का आपको पाउच। ये देखो दोस्तों कितना जबरदस्त, कितना अमेजिंग लग रहा है, काफी प्यारा जिस पे प्रिंसेस लिखा हुआ है। और इस पे देखो की चैन कितनी जबरदस्त और कितनी अमेजिंग है यार, ये देखो क्वालिटी काफी जबरदस्त है। इसे हटाएंगे और ये देखो ओए होए ग्लिटर चिपके हुए हैं इस पेंसिल पाउच के ऊपर, और दो मिल जाते हैं हमें इसके अंदर चैन, ये देखो चैन के ऊपर दिल भी बना है। पहले चैन बड़े वाले चैन को ओपन करते हैं, तो इसके अंदर काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है दोस्तों जिसमें हम अपना कुछ भी स्टडी मटेरियल रख सकते हैं। और हमें मिलते हैं फ्रंट में एक और चैन, और इस चैन में भी एक फॉर्म भरा हुआ है, फॉर्म को निकाल देंगे और देखो दोस्तों इसमें भी हम काफी सारा स्टडी मटेरियल रख सकते हैं। तो ये पाउच कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। तो चलो रखते हैं इसे साइड में। अब मैं दिखाता हूँ आपको ये यूनिकॉर्न की डायरी, और ये डायरी बिल्कुल अलग और डिफरेंट टाइप की डायरी है। तो निकालता हूँ बॉक्स से और दिखाता हूँ। इसमें तो सबसे पहली बात हमें मिलता है बिल्कुल छोटा सा एक पेन, और इतना छोटा पेन मिलता है ना गाइस जो बहुत ही यूनिक है, चल भी काफी जबरदस्त रहा है। यूनिकॉर्न का एक काफी छोटा सा पेन मिल जाता है। डायरी देखो दोस्तों हमें मिलती है इसके अंदर डायरी, काफी प्यारी और काफी सुंदर सी दोस्तों, और इसमें हमें बटन मिलता है जिससे डायरी बंद हो जाएगी। और देखो दोस्तों डायरी में कितने अच्छे पेजेस हैं और कितने सारे पेजेस मिल जाते हैं। पेजेस की क्वालिटी देखो दोस्तों कितनी सुंदर है यार, काफी अमेजिंग। और जब हमारी ये डायरी भर जाएगी ना दोस्तों, तो हम अपने इस बुक को चेंज भी कर सकते हैं। तो देखो इसका हम कवर निकाल के दूसरी डायरी भी लगा सकते हैं इस यूनिकॉर्न कवर के अंदर। यार काफी जबरदस्त, पेजेस भी देखो कितने सारे पेजेस मिल जाते हैं। और पेन के ढक्कन के ऊपर हमें एक काफी प्यारी सी चैन मिल जाती है जिसे हम इस पेन को काफी अच्छे से कैरी कर सकते हैं। और पेन का साइज देखो, मेरी छोटी उंगली से भी कितना छोटा ये पेन है, काफी जबरदस्त और काफी अमेजिंग है, मजा ही आ गया दोस्तों। चलो इसे रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट दिखाता हूँ ये स्माइली वाला ज्योमेट्री बॉक्स गाइस। तो इसे चैन को ओपन करता हूँ, फ्रंट में हमें स्माइली मिल जाती है दोस्तों, जो स्वादिष्ट वाली स्माइली है। चैन को ओपन करते हैं, अंदर की चीज दिखाता हूँ कैसी है और कितना स्पेस है इसके अंदर। देखो दोस्तों हमें कुछ इस तरह इंटरफेस दिखता है, और इसके अंदर गाइस हमें एक दो तीन चार चार लॉक मिल जाता है जिसमें हम अपना कुछ भी स्टडी मटेरियल को रख
सकते हैं गाइस लॉक करके, और इसके अंदर काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, काफी ज्यादा है स्पेस जिसमें हमारा कुछ भी स्टडी मटेरियल आ जाएगा। और इसे परचेज किया केवल मैंने 80 रुपीज का ऑफलाइन मार्केट से। चलो इसे साइड रखते हैं, अब मैं दिखाता हूँ आपको ये वाली ज्योमेट्री बॉक्स। एवेंजर की ज्योमेट्री बॉक्स काफी प्यारी और काफी यूनिक है गाइस, निकाल दो पन्नी से। और ऐसी ज्योमेट्री बॉक्स है ना आपने आई थिंक देखी होगी कभी। और इसके प्राइस की बात करते हैं तो इसे मैंने परचेज किया 300 रुपीज का ऑफलाइन मार्केट से। इसमें हमें फ्रंट में तो नेम और क्लास लिखने के लिए एक स्टिकर मिल जाता है, फ्रंट में हमें दो बटन मिल जाते हैं, एक बटन को दबाते दोस्तों निकलता है नीचे से एक शार्पनर, देखो दोस्तों दबाएंगे नीचे से शार्पनर निकलता है, काफी अमेजिंग। सेकंड बटन को दबाएंगे, सेकंड बटन दबाते ये वाला कंपार्टमेंट निकलता है गाइस। फ्रंट में हमें कैप्टन अमेरिका की फोटो देखने को मिल जाती है, और मिलता है गाइस हमें ब्लैक विडो की फोटो देखने को, और हल्की फोटो देखने को मिलता है गाइस इस ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर। ढक्कन को ओपन करते हैं, तो ढक्कन ओपन करते ही गाइस हमें इसके अंदर यार एक मार्कर मिलता है यार इसके अंदर, और गाइस हमें मिलता है 1 2 3 4 5 पांच पेंसिल लॉक मिल जाते हैं जिसमें काफी अच्छा स्पेस है, और पांच पेंसिल को लॉक करके रख सकते हैं। और इसमें एक और पार्टीशन मिल जाता है, इसके अंदर भी हम अपना कुछ भी स्टडी मटेरियल रख सकते हैं। और दोस्तों इस स्केच पेन का क्या काम है यार इस मार्कर का, तो वो कैसे पता चलेगा। बैक साइड के ढक्कन को ओपन करते हैं, तो बैक साइड के ढक्कन में एक अच्छा काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है दोस्तों, और इसमें भी हम अपना स्टडी मटेरियल रख सकते हैं। फिर मार्कर क्यों मिला है, तो ये देखो ये क्या है दोस्तों, यहाँ क्या है इसे खींचेंगे, और दोस्तों यहाँ देखो दोस्तों हमें मिलता है एक व्हाइट बोर्ड, इसीलिए गाइस हमें मिलता है इसके अंदर मार्कर। मार्कर में देखो डस्टर भी मिलता है, और यहाँ इसे मार्कर खोल लिया, और इस व्हाइट बोर्ड पे हम अपना कुछ भी रफ वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने वी के लिख लिया, फन लिख लिया है ना, और चलो दिल बना लेते हैं। अरे दिल देखना कितना गंदा बना है यार, वी फन लिख लिया, अब हम इसे मिटा देंगे। ये देखो ओए होए कितना जबरदस्त यार, और पता भी नहीं चल रहा है इस व्हाइट बोर्ड पे हमने कुछ लिखा भी था, काफी जबरदस्त और काफी अमेजिंग यार ये ज्योमेट्री बॉक्स। ये ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। चलो इसे साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों क्या हमारे पास। तो ये देखो गाइस हमारे पास है कुछ कुकीज, और ये कुकीज कैसे है तो ये कुकीज दिखाता हूँ, निकालता हूँ बॉक्स से और कुकीज दिखाता हूँ। बिस्किट है, पहली बार मैं बिस्किट के अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ दोस्तों, और ये देखो दोस्तों बिस्किट, और मैं आपको बता दूं ये बिस्किट खा के देखते हैं इनका टेस्ट कैसा है। तो ये देखो ये कैसे है, ये बिस्किट तो टूट भी नहीं रहे, ये क्या है। और मैं आपको दोस्तों बता दूं, मैं आपको बना रहा था थोड़ा सा पोपट, बट आप पोपट नहीं बने, आपको पता था ना दोस्तों कि ये इरेजर है। तो ये हाँ दोस्तों ये है कुकीज वाले इरेजर, ये देखो दोस्तों कितने अमेजिंग कितने जबरदस्त कुकीज वाले इरेजर, ये देखो कितने प्यारे हैं काफी अमेजिंग। और तो हम इन कुकीज के साथ अपने दोस्तों के साथ प्रैंक भी कर सकते हैं। तो ये कुकीज वाले इरेजर आपको कैसे लगे ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। चलो इसे साइड रखते हैं बस। और है गाइस हमारे पास एवेंजर का ट्रक वाली वॉच गाइस, काफी अमेजिंग, ये आयरन मैन के ऊपर है, और इस आयरन मैन वॉच के अंदर गाइस हमें मिलती है एक प्रोजेक्टर जिसके अंदर 6 ग्रेड मिलते हैं, और कितने मिल जाते हैं निकालते हैं बॉक्स से। और इसके प्राइस की बात करते हैं तो इसे मैंने परचेज किया है केवल 150 रुपीज का ऑफलाइन मार्केट से दोस्तों। और मैं आपको कुकीज वाले इरेजर की बात करूं तो इसे परचेज किया है केवल मैंने 20 रुपीज का ऑफलाइन मार्केट से। चलो मैं दिखाता हूं अब ये आपको वॉच, तो निकाल लेते हैं वॉच को और ट्रक वाला वॉच दिखाता हूँ। सारी इंस्ट्रक्शन पीछे दिए इस बॉक्स के पीछे, ये हम यूज कैसे करेंगे, कैसे प्रोजेक्टर यूज होगा और कैसे ये वॉच यूज होगी, सब कुछ लिखा है। और निकालता हूँ बॉक्स से और दिखाता हूँ। तो ये देखो दोस्तों सबसे पहले तो हमें मिल जाता है ये ट्रक, काफी जबरदस्त और काफी अमेजिंग, और इसके पीछे गाइस हमें मिल जाता है प्रोजेक्टर, और देखो दोस्तों आयरन मैन के, और ये पुश एंड बैक वाला, ये देखो इसके टायर भी मूव हो रहे हैं, पुश थोड़ा सा पीछे करेंगे अपने आप चलने लगेगा, देखो मैं चला के दिखाता हूँ। ये देखो हम इसके साथ टाइम पास भी कर सकते हैं दोस्तों, और इससे हम निकाल लेंगे, और देखो ये चालू हो गया गाइस, और यहाँ ऑन ऑफ का बटन मिला है, ऑन कर लेंगे गाइस, और देखो दोस्तों प्रोजेक्टर चालू हो गया। यहाँ हमें एक व्हील मिला है, इस व्हील को हम घुमाएंगे तो सारे इमेजेस चेंज होने लगेगी। ये देखो और जितने पास कर रहा हूँ उतनी छोटे प्रोजेक्ट यानी फोटोज बनती जा रही है, जितने दूर कर रहा हूँ उतनी बड़ी फोटो बनती जा रही है गाइस, ये देखो जी काफी जबरदस्त। और इसे इंस्टॉल कैसे करेंगे इस पट्टे पे, तो मैं आपको बता दूं, तो इन दो यहाँ पे मिले हैं दो बटन, इन दोनों बटन को दबाएंगे दोस्तों और कर लेंगे इंस्टॉल। देखो इन दोनों बटन को दबाएंगे और फिर हम अपने इस गाड़ी को ट्रक को इंस्टॉल कर लेंगे, और दोस्तों इसके पट्टे पे भी आयरन मैन की फोटो देखने को मिल जाती है, ये देखो काफी जबरदस्त। और जब हमारे प्रोजेक्टर का काम नहीं है तो हम बंद कर देंगे, और फ्रंट में हमें एक वॉच मिल जाती है, और ये दो बटन है जिससे हम अपना टाइम भी चेंज कर सकते हैं गाइस। तो ये आयरन मैन ट्रक वाली वॉच कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना।
वीडियो अच्छे लगे तो कर देना वीडियो को लाइक, और आपको इन सारी चीजों में सबसे अच्छी चीज क्या लगी प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे से स्टेशनरी कलेक्शन के साथ। बाकी मुझे सरप्राइजिंग बैग के अंदर प्रिंसेस की ये चीज जो निकली है ना, काफी गजब और काफी सुंदर चीज निकली यार, मजा ही आ गया था दोस्तों। तो चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वीडियो के साथ।